बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज फ्रॉक बना रहा था, बहुत खूबसूरत सी स्टाइलिश फ्रॉक है ये, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ, आपको भी बता दूँ कि किस तरह कटिंग की जाती है। बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट सा ये स्टाइल है फ्रॉक का। ये देखें कपड़ा, नोट करें मैंने किस तरह बिछाया। देखें 10 से 12-13 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो में स्लो रखूंगा क्योंकि एक नया तरीका है फ्रॉक का। ये आज मैं आपको सिखाऊंगा कटिंग कर कि किस तरह बनता है, कटिंग भी करूंगा, सिलाई का तरीका भी इसका मैं आपको बताऊंगा। देखें बड़े अर्ज का 3.5 मीटर ये मैंने कपड़ा लिया, इसमें ये ट्राउजर शर्ट आराम से बन जाएगी। देखें इसकी शर्ट की जो लेंथ है मैंने नापा था तो वो है 40 इंच की इसकी लेंथ है शर्ट की, तो हम रखेंगे 34 इंच। अपने शर्ट के नाप से 6 इंच छोटा हम इसका फ्रंट साइड रखेंगे, बाकी इसका जो बैक साइड है वो हमने 40 इंच का ही बनाना है। तो ये देखिए मैंने निशान नीचे से लगा लिया दबाव का, तकरीबन ये 1.25 इंच का दबाव का मैंने निशान छोड़कर ये 34 इंच पर इसका लेंथ का निशान लगाया है फ्रंट का। समझने वाली वीडियो है, समझिएगा आप बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखें ये लेंथ का निशान इसका मैंने लगा दिया। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक मैं पहुंचा सकूं। और ये देखें इस तरह से जब 21 चेस्ट होता है तो ये निशान 7 पे लगता है, इसका चेस्ट साइज 21 है तो ये निशान हम 7 पर लगाएंगे। देखें 21 चेस्ट है, हमने ये निशान लगाना है 20 पर, आधा इंच कम करके हम इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखें 20 इंच पर ये मैंने चेस्ट का निशान इसके लगा दिया, 21 इसका चेस्ट का नाप है। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा। अब देखें इसका दामन का जो नाप है, वो शर्ट का जो दामन था वो 24 है, तो हम इसका दामन 24 ही रखेंगे। ये ऐसी फ्रॉक है जबरदस्त सी, ये आप देखें। अब जो 20 का निशान लगाया था, उस 20 से लेकर 24 तक जो हमने निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से निशान लगाकर बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है, बिल्कुल ऐसे। इधर कोई गोलाई वगैरह का आप शेप ना दें, बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएं, कोई कमर वगैरह का शेप आपने नहीं देना। ये देखिए 20 निशान से लेकर 24 निशान तक मैंने इसको मिला दिया। अब शोल्डर है इसके 14 इंच के, तो कॉलर इसमें है नहीं, कस्टमर की डिमांड है बगैर कॉलर का चाहिए, तो साथ साथ के दोनों निशान लगाने के बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। जितना भी आपका शोल्डर हो आपने उतना ही निशान लगाना है। आधा इंच ये बढ़ता हुआ दबाव का रखा और यहाँ पर गोलाई दे दी, बाकी सेम कटिंग वैसे ही 1 इंच इस जगह से नीचे गिराना है। जो तरीका है मेरा कटिंग का, जो मैंने आपको सिखाया है एक शर्ट की कटिंग किस तरह होती है, ये सारा शोल्डर हम अपनी शर्ट के हिसाब से रखेंगे। जिस तरह हमने शर्ट की कटिंग करनी होती है वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल इस तरह बढ़ता बढ़ता पीछे से हमने आधा आधा इंच का ऊपर से दबाव छोड़ा इसका निशान के अलावा दबाव के लिए, ठीक है। और इस तरह गोलाई हमने देनी है। अब ये जो 20 इंच पर मैंने निशान लगाया था, इससे आधा इंच बढ़ता हुआ देखें इस जगह से हमने इसकी कटिंग करनी है, आधा इंच बढ़ता हुआ करनी है, ज्यादा नहीं करनी आपने। या आप ऐसा करें, आप इस तरह आधा इंच बढ़ती हुई ना करें तो डायरेक्ट आप अपने चेस्ट का नाप लें, इस हिसाब से लगा दें, तो वो भी सही है तरीका, पर ये तरीका भी सही है। आधा इंच बढ़ता हुआ हमने रखा। अब ये बैक के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है, इसको हम देखें इस तरह से यहां से स्ट्रेट निशान लगाएंगे इसका, और इस पीस को हम निकाल लेंगे जो फ्रंट में से हमारा बचा है। ये पीस हम डालेंगे बगल में, बगल से लेकर नीचे तक, तो ये लंबाई इसकी बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त आ जाएगी। इसकी सबसे पहले हमने यहां से किनारी की कटिंग करनी है। वीडियो जरा सी भी मैं नहीं बढ़ाऊंगा आज, क्योंकि मुझे आपको आज एक नई कटिंग सिखानी है। आप नई कटिंग सीखेंगे फ्रॉक की। ये देखें अब बैक साइड हमने इसका बिछाया और उस पर फ्रंट साइड को हम इस तरह बिछाएंगे कि नीचे से हमने लंबाई को 6 इंच बैक की बढ़ते हुए रखना है। ये मैं भी आपको दिखा देता हूं, देखें इस जगह से हमने 6 इंच लंबाई बढ़ती हुई रखनी है, तो हम इसको अच्छे से 6 इंच बढ़ते हुए ऊपर की तरफ रखते हुए इसको जमा लेंगे। अब ये देखें ये तरीका आप नोट करें, ये पीस हमने कहाँ डालना है जो हमारा फ्रंट से बचा था। देखें ये 20 पर जो मैंने निशान लगाया था उससे आधा इंच आगे मैंने एक निशान और लगा दिया है, ये वाला,
19 इंच पर ये निशान आ चुका है। इस 19 वाले निशान पर नीचे तक हमने इस तरह से 1 इंच का दबाव रखना है, 19 वाले निशान पर से लेकर और नीचे तक। समझ गए आप? यानी कि टोटल जो हमने कटिंग की थी फ्रंट की, उससे 1 इंच ऊपर चढ़ाते हुए इस पीस की हम कटिंग करेंगे। ये पीस आप किसी भी नाप की फ्रॉक का कटिंग करें तो ये पीस बिल्कुल मुड्डा निकालने के बाद बराबर आता है। आप इसको इस तरह से नीचे से भी बराबर कर लें, यहां से शोल्डर से बिल्कुल बराबर आता है। अब लगाने हमने तैयार निशान 21 इंच चेस्ट फिटिंग का निशान, जो हमारा 21 इंच चेस्ट का निशान है वो लगा दिया हमने, और नीचे 23 इंच दामन इसका आ रहा है आसानी से, तो हमने 23 इंच का इसका नीचे से दामन को रखना है। ये थोड़ी शॉर्ट शर्ट में ही अच्छी लगती है, फ्रंट से जब भी बनाए आप थोड़ी शॉर्ट करके बनाए। और ये यहां से 21 से लेकर 23 तक जो मैंने निशान ऊपर नीचे के लगाए हैं, यहां पर हमने बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा देना है। बिल्कुल देखें इस तरह से जैसे मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं। प्रिंटेड कपड़ा जरा ज्यादा है तो चौक इतनी साफ नजर नहीं आ रही। इस कपड़े को भी हमने बगल से बराबर कर लिया, जरा सा बढ़ रहा था, और पीछे से हमने वही बढ़ती हुई कटिंग करनी है। स्टार्ट से 1.25 इंच और यहाँ मुड्डे तक शोल्डर के एंड में 0.5 इंच दबाव रखना है। और इस तरह से गोलाई, जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं बेल्ट, बस हमने अब सेम इसी तरह कटिंग करनी है। ये मैंने 21 चेस्ट तैयार जो है इसका मैंने कट लगा दिया इस जगह पर, और यहां से यहां तक हम नीचे तक दबाव को रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हम फ्रॉक की शर्ट की इनकी कटिंग करते हैं, ये कटिंग कर देंगे। देखें फ्रंट बैक कट चुका है, ये इसका 6 इंच बढ़ती हुई कली, और यहां से हमने ताकि कोना ना निकले इस तरह गोलाई देनी है। अपने आइडिया से आप गोलाई दे सकते हैं कि कोना वगैरह इस जगह से ना निकले। ये दबाव का कट मैंने लगा दिया, फ्रंट निकल चुका है। याद रखें 3.5 गज कपड़े में ये पूरा सूट बन जाता है, ट्राउजर और शर्ट, ये जो रेगुलर प्रिंट आजकल चल रहे हैं। आसीने निकालने का तरीका देखें, ये डबल करके मैंने निकाला। ये बगल से जो कपड़ा बचा है इसको हमने जाया नहीं करना, वरना ट्राउजर में कपड़ा कम पड़ जाएगा। कफ लगाना है हमने 1.5 इंच का इसमें, तो 1 इंच हम आस्तीन को छोटी कटिंग करेंगे। 18 इंच स्लीव्स का इसका नाप है, 18 का हमने तैयार निशान लगाया और इस तरह ये निशान लगाया। अब देखें जब 21 चेस्ट होता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां से हम आर्मोल का निशान लगाते हैं 8.25 या 8.5, और ये निशान हम लगाते हैं 4.25 इंच का। वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा कि कितने चेस्ट पर कितना निशान लगाते हैं, ये आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मेरी बड़ी पॉपुलर वीडियो है, माशाल्लाह से अच्छी है वो तरीका भी बहुत जबरदस्त है, हर चेस्ट के साइज से उसमें मैंने आर्म होल की कटिंग करना बताई है, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब देखें मैंने किस तरह कटिंग की, ये हमने पूरा यहां से रखना है क्योंकि हमने नीचे देनी है चुने देकर हम इसमें हल्की हल्की सी चुन देकर इधर कफ लगा देंगे। ये सारी कटिंग स्लीव्स की हो चुकी है। अब ये कट हमने खोलना है इस जगह से 2.5 इंच 3 इंच आप अपने हिसाब से खोल सकते हैं, तो ज्यादा आस्तीन बड़ी नहीं है तो हम 2.5 इंच का खोलेंगे। अगर फुल आस्तीन होती तो 3 इंच का भी हम इसका कट खोल देते। अब इसका फ्रंट बैक का वही शेप देने का तरीका, जिस तरीके से मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि किस तरह शेप दिया जाता है, नोट करें। ये फ्रंट का मैंने शेप दिया, अब यहां से हम इसको बैक का शेप दे देंगे। बिल्कुल इस तरीके से बढ़ती हुई बैक की कटिंग करनी है हमने, क्योंकि नाप थोड़ा सा हेवी है इसका, इस वजह से। देखिए आस्तीनें भी कट चुकी हैं। ये तरीका होता है कटिंग का, आपको आर्मोल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, आप देख लीजिएगा। इसको सीने का तरीका नोट करें, देखें ये मैंने फ्रंट साइड इसका उठाया है आपको समझाने के लिए। ये देखें इस तरह से हम इसको बिछाएंगे, और ये एक बारीक सी लेस है जो हमने इसकी कली पर लगानी है, ये भी आप इसको नोट करेंगे। ये देखें जो मैंने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था वहां पर मैंने इसका कट लगा दिया जिस हिसाब से कटिंग की थी। इसको हमने लेस को फिनिशिंग पट्टी से लगानी है बारीक सा दबाव लेकर, और इस कट से मिलाते हुए लेस को नीचे तक हमने लगा देनी है। पहले साइडों की कलियों पर हम फिनिशिंग पट्टी से इस लेस को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक सिलाई से, लपकी सिलाई से इसकी साइड की कलियां जोड़ देंगे। बिल्कुल देखें इस तरह से, नोट करें अच्छी तरीके से। देखें पहले फिनिशिंग पट्टी से मैंने कलियों पर लेस लगा ली इसके, और फिर लपकी सिलाई से इसकी कलियों को जोड़ दिया। सबसे पहले मैंने इसका फ्रंट का दामन बनाया था, और फिर ये फिनिशिंग पट्टी से ये लगाकर इसको दामन से इस तरह से 6-6 इंच नीचे लटकाते हुए इसको जोड़ दिया है।
बिल्कुल इस तरीके से हमने कली को फ्रंट पर रखा। ये नोट करें, देखें एक इंच का जो दबाव मैंने छोड़ा था वो एक इंच का दबाव ये आ चुका है अंदर की तरफ। अब आप इसका चेस्ट साइज देख सकते हैं, देखें ये 21 इंच चेस्ट साइज जो मैंने रखा था तैयार 21 इंच आ जाएगा साइडों का दबाव लेने के बाद। इस तरह के कपड़े बहुत आसान होते हैं, फौरन बन जाते हैं, बस जरा सा इनको समझने की बात होती है। ये देख सकते हैं आप, पैनल वगैरह सब लग गए, गला आप पर डिपेंड करता है, मर्जी पर आप कॉलर लगाएं या बगैर कॉलर का बनाएं, जिस तरह का आप पसंद करते हैं वैसा ही गला आप बना सकते हैं। ये पैनल आप इसके नीचे से नोट करें, देखें जरा कितनी खूबसूरती से ये पैनल जुड़ चुके हैं। इस तरह के काम थोड़े से होते हैं टेढ़े मेढ़े, पर ये बन जल्दी जाते हैं, इनमें कोई मुश्किल नहीं होती बनाने में, बस जरा सा हमें समझना चाहिए इसको। अब ये बैक साइड है, बिल्कुल सिंपल बैक साइड लगाने का आप तरीका देखें किस तरह हमने जोड़ना है, बस इस तरह से हमने इसको बैक को बिछाना है और यहाँ से हमने इसकी फिटिंग की सिलाई उठानी है। बगल से आप नोट कर सकते हैं, देखें यहाँ से सिलाई उठा के इसको नीचे तक हमने सिलाई को उतार देना है। बिल्कुल दोनों साइडों की सिलाई इस तरह से लगा लेंगे और फिर ये एक एक पैनल से हमने यहाँ से फिनिशिंग पट्टी उठा के और लेकर चलना है दूसरे पैनल पे ले जाकर एंड कर देना है। चाहे तो आप नीचे भी लेस लगा सकते हैं। ये शर्ट बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये देखें शर्ट बन चुकी है। सबसे पहले आप इसकी स्लीव्स नोट करें, ये 1.5 इंच के कफ मैंने इसमें लगाए, यहाँ पर काज कराकर हम बटन लगा देंगे। ठीक है, गला इसका मैंने स्लिट वाला स्ट्रेट स्लिट लगाई और बना दिया है। ये पैनल आप नोट कर लें, 1.25 इंच तकरीबन ये आगे की तरफ है साइड की सिलाई से, और ये फ्रंट पर स्लिट है, सादे बटन है। कस्टमर की डिमांड थी कि बटन सादे ही चाहिए, कोई डिजाइनिंग वाले बटन नहीं चाहिए, तो उनकी मर्जी के हिसाब से ये मैंने लगा दिए हैं। देखें ये पीस बीच में से, और ये घेर नोट करें आप, पूरा 46 इंच का घेर, 23 इंच का मैंने कटिंग किया था, 46 इंच का घेर, ये 46 इंचेस का ये इसका घेर आ चुका है। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।